गड़बड़ी धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ठीक है, इसके लेखक है मोहन राकेश। आपको इसके क्वेश्चन आंसर 5-6 वाक्यों में करने हैं और प्रश्नों के तो 2 या 3 वाक्यों में करने हैं। फिर इसके एक एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। ठीक है, चलो मैं अभी यह चैप्टर आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत लेखक में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभव के बारे में बताया है। पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग को से लेखक की आत्मीयता हो गई। उसे लगने लगा जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है। किसको लगा? लेखक को। पहले तो उनको अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, और फिर वहाँ उनको रहते रहते क्या हो गया, गुलमर्ग से उनको लगा हो गया। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उनसे अपने से समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहता है कि गुलमर्ग के रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। जब वहाँ से विदाई लेता है तो उसको क्या होता है, वहाँ से बिछड़ने का जैसा अनुभव होता है। गुलमर्ग में हरियाली की भरपार है, नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष है जिससे वो आकाश भी हरा हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं, सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। शाम होते ही गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। क्या शुरू होती है? बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है, मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियां पतली पतली और बाहों जैसी दिखाई देती है। सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियां भर जाती है। रात की खामोश चहल पहल में बदल जाती है। एक रात लेखक ने अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। कौन आ रही थी? घटा। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना से के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी न हो पाई। लेखक कहता है कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को वहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए यहाँ नहीं आते। कौन कहता है? लेखक। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में, प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में, प्रश्नों के उत्तर 1 वाक्य आपको करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।